हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप बढ़िया होंगे आप सब। आज का ब्लॉग बस अपना भाई वहीं से जहां से स्टार्ट करता है ब्लॉग। और भाई आज का ब्लॉग इस वजह से बना रहा हूं क्योंकि आज मैं सर्विस सेंटर जा रहा हूं, अपनी बाइक को या क्लेम में डालूंगा या रिपेयर के लिए डालूंगा। जो काम अगर उधर के भैया बोल देंगे वो हो जाएगा। और इसलिए क्योंकि अभी बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया था बाइक से, देख सकते हो। तो भाई बाइक में कुछ बहुत ही भाई दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए, जैसे ये चीज़ टूट गया था, ये भैया ये टूट गया था, और साइड की लाइट इंडिकेटर की चली गई थी, और प्लस इधर का ब्रेक चला गया, पूरा ब्रेक। तो इस वजह से मेरे को इसको बनवाने जानी है। तो चलिए वीडियो देखते रहिए, ब्लॉग कंटिन्यू करते रहिए। इसका मतलब ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, चलिए तो कंटिन्यू करिए ब्लॉग। जो लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो वो जानते होंगे KTM का सर्विस सेंटर कहाँ है, मकरावटगंज में है। चलिए तो हम लोग मकरावटगंज चलते हैं इस समय। चलिए तो ब्लॉग कंटिन्यू करिए। अरे हम भी रहते हैं सर यही में। ये भैया आते क्या? हाँ मेरी घर किधर है? यही जाजमो में। अरे जाजमो में क्या रहा है भैया आपका? शिवम नाम है। शिवम निषाद जी। आप तो फिर जाते रहते हो दूर दूर तक? अरे भाई सब जगह ही आते मेरे को लग रहा है। हाँ जी यार, ये तो सर्विस सेंटर। वैसे भी लड़की की कमी होती है भैया। यही नंबर है भैया? हाँ भाई यही है। 80-81-20 में से आ गया भैया। आ गया भैया। अरे वेलकम भाई, वेलकम। अरे वैसे रुकता नहीं ना, थोड़ा वो लगती है। अरे नहीं नहीं सही सही है भाई, नाम बता दीजिए। प्रिंस भैया, प्रिंस गेल। अरे ठीक है। ठीक है भैया, बहुत अच्छा लगा भैया, बताऊंगा भैया। बिल्कुल बिल्कुल भैया, भैया बोलने की जरूरत नहीं भाई यार। हाँ। अभी एज मेरी 18 ही है। अच्छा आप कैसा रहे? हाँ भाई, भैया हेलमेट लगा तो यार मैं तो बड़ा हूँ फिर आपसे। हाँ तभी तो करो भैया, बोलने की जरूरत नहीं भाई। मैं कॉल करूँगा आपको जी। बिल्कुल भाई बिल्कुल। फ्यूल बनवा लेते हैं, डमी दो दिखा रहा। और हाँ आपने देखा पीछे भैया, हम लोग को कुछ पैन बोलूँ या कुछ भी बोलूँ, भाई लोग मिले तो अपने राइडर के मतलब राइडर वो ड्राइविंग करते हैं और राइडर है भाई, आप मतलब मिले अच्छा लगा मिलके, भैया भी कहूँ अच्छा लगा मिलके। और हाँ भाई भाई अपना फ्यूल बनवाते हैं, उसके बाद चलते हैं चाहे सर्विस सेंटर। और गाइस वैसे भी मेरे कैमरे में ज़्यादा बैटरी नहीं है, इस वजह से मैं अब डायरेक्टली भाई एक बार सर्विस सेंटर जा चुका हूँ, उसका ब्लॉग डाल चुका हूँ। अगर आपको देखना हो तो मेरे प्रोफाइल में जाके यूट्यूब पे देखिएगा, आपको मतलब सब मकावट बनता रोड मिल जाएगा अगर आपको जाना हो तो। वैसे मैं बता रहा हूँ इस वजह से।
गाइस सर्विस सेंटर आ चुके थे जो कि देख सकते हो अपनी बाइक खड़ी है। और रियल बात बताऊं तो भाई बाइक में 8 से 9 हज़ार रुपए का खर्चा है, जो कि भैया बोल रहे हैं कि मंडे को चले आना सुबह सुबह, जो कि आपकी बाइक बन जाएगी और बहुत जल्दी बना देंगे। तो चलिए फिर देखते हैं, बात बात करते हैं, अगर और जल्दी बनने की कोशिश करते हैं, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, अपने लिए फ़ायदा है, आपको ब्लॉग व्लॉग मिलते रहेंगे, देख लीजिए। और हाँ गाइस एक बात बता दूँ, अपने तन्मय भाई की बाइक भी खड़ी है अंदर, जो कि आपको देखता हूँ अगर परमिशन देते हैं अंदर अंदर वीडियो बनाने की तो ज़रूर दिखाऊँगा। चलिए तो ब्लॉग कंटिन्यू करिए, बात करते हैं भैया से। गाइस सर्विस सेंटर से निकल चुके हम लोग, भैया बोल रहे मंडे को आना, मंडे को भाई सुबह 10 बजे बुलाएंगे और कहने जल्दी ही बाइक कंप्लीट हो जाएगी, तो इसलिए भाई क्या बताऊँ, भाई मंडे को बुलाएंगे तो मंडे को ब्लॉग मिलेगा अपनी गाड़ी का, और मैं क्या बताऊँ। चलिए भाई क्या करते हैं, आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं, क्या कर सकता हूँ भाई, अब बताओ यार, बाइक में सोचा था आज ही बन जाती तो यार बनी नहीं, तो भाई क्या करा जाए। चलिए तो भाई ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, आज का ब्लॉग यहीं करते हैं। चलिए